नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, किसान के जीवन के विषय में बताया गया है, शीर्षक का नाम है कृषिकाः कर्मवीराः, कर्मवीर किसान। किसानों के कर्मठ जीवन और संघर्षमय जीवन के विषय में बताया गया है। किसान गर्मी में, सर्दी में तथा बारिश में हमेशा काम करते रहते हैं, हमारे लिए अन्न उत्पादन करते हैं। निरंतर परिश्रम करते हुए भी उनको निर्धनता का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इस विषय में इस पाठ में बताया गया है, तो आइए साथियों जानते हैं। कृषि का कर्मवीरा, कर्मवीर किसान। सूर्यस्तप्तु मेघा वा वर्षन्तु विपुलं जलम्, कृषि का कृषि को नित्यम शीत काले अपि कर्मठौ, ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंप कंपयेमयम सदा, हलेन च कुदालेन तौ तु क्षित्राणि कर्षते। सबसे पहले जानेंगे हम इसका अनुवाद बहुत ही अच्छी तरह से। तो देखिए साथियों, ये सूर्य है और फिर लिखा है तप्तु, तप्तु। तो इसका मतलब हुआ, चाहे सूर्य की गर्मी में तपे, चाहे सूर्य की गर्मी में तपे। वा का मतलब होता है साथियों अथवा, अथवा। मेघा, मेघा मीन्स बादल। विपुलम, विपुलम अत्यधिक। जलम, जल। वर्षन्तु, वर्षाएं। तो ऊपर वाली लाइन का अर्थ जानिए, सूर्य तप्तु, चाहे सूर्य तपे, चाहे सूर्य बहुत तेज तपे, अथवा वामिन अथवा मेघा बादल, विपुलम अत्यधिक, जलम जल, वर्षन्तु वर्षाएं। तो देखिए, सूर्य तप्तु, चाहे सूर्य की गर्मी में तपे, वामिन अथवा बादल, विपुलम अत्यधिक, जलम जल, वर्षन्तु वर्षा। चाहे सूर्य अत्यधिक तेज प्रचंड धूप में डालता रहे और चाहे बादल अत्यधिक जल वर्षाएं। कृषि का कृषि का है, आगे देखेंगे हम। यहां पर कृषि का किसान की पत्नी और कृषि के किसान, तो लिखेंगे कृषि का किसान की पत्नी। कृषि के संधि विच्छेद हो गए हैं, कृषि के मीन्स किसान, ठीक है। किसान की पत्नी और किसान, नित्यम हमेशा, नित्यम हमेशा, शीत काले अपि, शीत काले अपि, सर्दी की ऋतु में भी कर्मठौ, कर्मठौ काम में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। देखेंगे दोबारा से, कृषि का, कृषि का किसान की पत्नी, कृषि के किसान और किसान, नित्यम हमेशा, ये नित्यम, नित्यम हमेशा, शीतकाले अपि, शीतकाले अपि, सर्दी की ऋतु में भी कर्मठौ काम में लगे रहते हैं। एक साथ देखेंगे, किसान की पत्नी
और किसान हमेशा सर्दी की ऋतु में भी काम में लगे रहते हैं, काम में लगे रहते हैं। आगे देखिए, ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम, ग्रीष्मे गर्मी की ऋतु में, गर्मी की ऋतु में शरीरम सस्वेदम, शरीर पसीने से लथपथ रहता है। पसीने से लथपथ का मतलब होता है अत्यधिक पसीना आता रहता है, और सीते सीते सर्दी की ऋतु में सदा हमेशा कंपय मयम, कंपय मयम कांपता रहता है, कांपता रहता है। देखेंगे दोबारा से, ग्रीष्म गर्मी की ऋतु में शरीरम शरीर सस्वेदम, सस्वेदम का मतलब पसीने से लथपथ रहता है। गर्मी की ऋतु में शरीर पसीने से लथपथ रहता है, और सीते सर्दी की ऋतु में सदा हमेशा कंपये मयम कांपता रहता है। क्या? किसान का शरीर। देखिए तो यहां से, गर्मी की ऋतु में शरीर पसीने से लथपथ रहता है, सीते सर्दी की ऋतु में सदा हमेशा कंपये मयम कांपता रहता है, कांपता रहता है। तो इस लाइन का अर्थ भी स्पष्ट हुआ। आगे, हलेन हल से चे कुदालीन, और कुदाल से ताव, वे दोनों तू तो क्षेत्राणि खेतों को कर्षद जोतते रहते हैं। देखेंगे, हलेन छे हल से, कुदालेन कुदाल से, तव वे दोनों तू का मतलब तो क्षेत्राणि खेतों को कर्षद जोतते रहते हैं। हल से और कुदाल से वे दोनों तो खेतों को जोतते रहते हैं। वे दोनों कौन? किसान और किसान की पत्नी। अब ये देखिए, हलेन हल से, इसमें तृतीया विभक्ति एक वचन है हलेन, जैसे रामेन। चे कुदालीन और कुदाल से, तव वे दोनों किसान और किसान की पत्नी, तू मिन्स तो क्षेत्राणि खेतों को कर्षत जोतते रहते हैं। अब दोबारा से देखेंगे, सूर्य सप्तु चाहे सूर्य अत्यधिक तेज तपता रहे, अथवा वामिन अथवा मेघा बादल विपुलम अत्यधिक जलम जल वर्षंतु वर्षाएं, चाहे सूर्य अत्यधिक तेज तपे चाहे बादल अत्यधिक जल वर्षाएं, लेकिन किसान की पत्नी और किसान हमेशा सर्दी की ऋतु में भी कर्मठो काम में लगे रहते हैं। ग्रीष्म गर्मी की ऋतु में शरीरम सस्वेदम, शरीर पसीने से लथपथ रहता है, सस्वेदम का मतलब पसीने से लथपथ होना। गर्मी की ऋतु में शरीर पसीने से लथपथ रहता है, सीते सर्दी की ऋतु में सदा हमेशा कंपयमयम कांपता रहता है। हलेन च कुदालेन, और हल और कुदाल से, तव वे दोनों अर्थात किसान और किसान की पत्नी, तो
खेतों को कर सतल जोतते रहते हैं, खेतों को जोतते रहते हैं। स्पष्ट हुआ कि सूर्य की चाहे बहुत तेज गर्मी पड़ रही हो, चाहे बादल अत्यधिक जल बरसा रहे हों, और किसान और किसान की पत्नी सर्दी की ऋतु में भी काम करते रहते हैं, गर्मी की ऋतु में किसान और किसान की पत्नी का शरीर पसीने से लथपथ रहता है, सर्दी में हमेशा उनका शरीर सर्दी के कारण कांपता रहता है, फिर भी हल और कुदाल से वे दोनों खेतों को जोतते रहते हैं। तो किसान और किसान की पत्नी का अन्न उत्पादन करने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।